हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आप देख सकते हो ये मेरा मधुमालती का पौधा है, बेल है। और ये देख के आपको लगता होगा कि ये ज़मीन में लगी हुई है और ऊपर तक आई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पौधा मैंने मधुमालती का नीचे लगाया हुआ है बड़े से टब में, और ये ऊपर तक टेरिस तक आया हुआ है, और टेरिस से भी ऊपर मैंने इसे पाइप तक से चढ़ाया है। तो आप देख सकते हो ये दोबारा फ्लावरिंग कर रहा है और फूलों से भर चुका है ये बेल। तो ये मुमकिन नहीं है, सभी जानते हैं कि पॉट में जो भी मधुमालती लगाते हैं वो ड्वार्फ वेराइटी वाली लगाते हैं, और मैंने ये बेल लगाई है। और ये बेल ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि एक साल ही हुआ है इसमें, और ये दूसरी बार इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और गर्मी में मैं थोड़ी बाहर चली गई थी तो इसकी केयर नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से। और अब भी देख सकते हो आप कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ये सब कैसे मुमकिन हो सकता, यही मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। रोज़ हम अपने किचन से कितना सारा वेस्ट पानी जो होता है हम फेंकते हैं इधर उधर, और टेरिस पे जब हम अपने पौधों को पानी देते हैं तो पानी जब गमले से निकलता है वो भी इधर उधर जाता है। तो आप देख सकते हो मेरी बकेट भरी हुई है। जब मैं टेरिस पे अपने पौधों को पानी देती हूँ तो ऊपर से नीचे तक पाइप लगाया है मैंने, जो भी वेस्ट पानी निकलता है पौधों का भी वो भी यहाँ पे जमा हो जाता है, और फिर मैं नीचे जो भी पौधे हैं उनमें देती हूँ। और ये देखिए ये है टब, इसमें मैंने मधुमालती की बेल लगाई हुई है, और अभी इसमें ऊपर ये छिलके रखे हुए हैं आप देख सकते हो। और मिट्टी में अभी नमी है, मैं अभी बारिश बंद हो गई है तो रोज़ एक टाइम इसमें पानी डालती हूँ, और ये छिलके रखे हुए हैं ऊपर मैंने, तो ये सूख चुके हैं, इन्हें मिट्टी में भी दबा दूंगी। तो मैं इसमें ज़्यादातर DAP या पोटैश, जो ऑर्गेनिक मैं टेरिस पे जो गार्डन में डालती हूँ पौधों को, वो नीचे नहीं डालती हूँ, क्योंकि नीचे लाना बहुत परेशानी हो जाती है, बार बार याद ही नहीं रहता है, मतलब जैसे आलस आ जाता है। तो मैं नीचे क्या डालती हूँ, जो भी किचन का रोज़ का पानी निकलता है, हम चावल धोते हैं, सब्जी धोते हैं, सब्जी के छिलके निकलते हैं, तो वो पानी हम इधर उधर फेंकने की बजाय अगर हम अपने पौधों में डालें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप देख सकते हो ऊपर तक जा चुकी है और कितनी खूबसूरत लग रही है। और दूसरी बात कि यहाँ पर धूप नहीं आती है, जब समर में थोड़ी सी धूप आती है, पर बाकी दिनों में यहाँ धूप नहीं आती है, अच्छे से लाइट आती है पर धूप नहीं आती है। और आप देख सकते हो ये मधुमालती की 2 स्टेम निकली हुई है, जो मैंने मधुमालती का बेल लाई थी तो ये वाली स्टेम थी, और जब मैंने इसमें हल्दी वगैरह डाली थी तब ये वाली स्टेम निकली। अभी दोनों बराबर ऊपर तक जा चुकी है और अच्छे से रिजल्ट आप देख सकते हो। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम मधुमालती की बेल अपने घर में पॉट में या बड़े से गमले में नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। और हम जो भी किचन का वेस्ट जो पानी होता है वो आप रोज़ डाल लीजिए, तो आपका पौधा अच्छे से फूलों से भर जाएगा। और ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं इसमें वही रोज़ का पानी डालती हूँ, घर में जो भी हम चावल धोते हैं, सब्जी धोते हैं, प्याज के छिलके निकलते हैं, वो वगैरह सब पानी मैं इसी में डालती रहती हूँ। कभी हम चाय पत्ती वगैरह यूज की हुई होती है, ऊपर ले जाने में परेशानी हो जाती है, या हम जल्दबाजी में ऊपर नहीं ले जाते हैं, तो वही मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये रिजल्ट आप देख सकते हो फ्रेंड, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं मधुमालती की बेल अपने घर में लगाऊँ, पर ज़मीन ना होने की वजह से तो फिर मैंने ये टब में लगाया हुआ है इसको, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तो ये केले के छिलके अब सूख गए हैं, तो इनको भी ये मिट्टी में मैं इस तरह से दबा दूंगी। और जो बकेट में मैंने पानी ऊपर से आया था पौधों में डाला हुआ, जो गमलों से निकला था, उसमें जो भी मैं डालती हूँ खाद या गोबर खाद का वगैरह निकलता है, तो वो भी वेस्ट नहीं जाता है, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इस तरह से सभी पौधों को मिलता है फाइबर, न्यूट्रिशन, पोटैश, सभी के गुण मिलते हैं, क्योंकि हम रोज़ फाइबर, न्यूट्रिशन, पोटैश
कैल्शियम, ये सभी हमारे किचन से निकलते हैं और हम उन्हें वेस्ट करके इधर उधर फेंक देते हैं, पानी भी फेंक देते हैं। तो आप ऐसा ना करें, उस पानी को बचाएं, वही हमारे पौधों के लिए वरदान है और पोटैश का, न्यूट्रिशन का भी काम करता है, जिससे हमारे पौधे अच्छे से बढ़ जाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो देख के आप ये गलती नहीं करेंगे, किचन का जो भी वेस्ट पानी है वो आप इधर उधर नहीं फेंकेंगे, बाहर नहीं फेंकेंगे, बल्कि अपने पौधों में डालेंगे, ताकि अच्छे से आपके पौधे भी फूल सके, फल सके। तो इस तरह से मैंने अपने पौधों को सेट किया है, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा रिजल्ट मिलता है। तो आप भी अपने मधुमालती को इस तरह से लगा सकते हो, ऊपर तक चढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने चढ़ाया है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा।